राजधानी दिल्ली में सदर बाजार के डीडीए पार्क में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति गुरुवार रात को लगा दी गई। ये जो पार्क है वो शाही ईदगाह मस्जिद के बगल में है, इस वजह से यहाँ मूर्ति लगाने का जो कार्य है वो विवादों में रहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज 3 सदस्यीय टीम को इस मूर्ति का मुआयना करने का आदेश दिया। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में ये पूरा विवाद क्या है। तमाम शोरगुल विवाद और कोर्ट की सुनवाई के बाद गुरुवार की रात रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति डीडीए पार्क में लगा दी गई। ये जो डीडीए का पार्क है वो शाही ईदगाह मस्जिद सदर बाजार के ठीक बगल में है और यही वजह है कि ये मामला जो है पूरी तरह से विवादों में घिरा रहा है। पिछले गुरुवार को नमाज पढ़ने के बाद स्थानीय नमाजियों ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद से ही पिछले एक हफ्ते से ही ये जो पूरी सड़क आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे उसको उस पर यातायात का जो है वो प्रतिबंध लगा हुआ है। पुलिस की जो है काफ़ी भारी संख्या में दलबल तैनात है और जो हैवी बैरिकेडिंग जो है वो पूरी सड़क पर की गई है। सदर बाजार की रानी झांसी रोड के बगल का डीडीए पार्क, घोड़े पर सवार और हाथ में तलवार लिए रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति यहां लगाई गई है। डीडीए का ये पार्क शाही ईदगाह मस्जिद के ठीक बगल में है, इसलिए आसपास के लोगों को इस पार्क में मूर्ति लगाए जाने पर एतराज़ रहा है। इस पार्क का इस्तेमाल ये है, हम अपनी प्रेयर्स वगैरह में हमारा इस्तेमाल होता है, ठीक है, और हम जो है किसी आइडल के सामने हम जो है नतमस्तक नहीं हो सकते, हम सजदा नहीं कर सकते। डीडीए को मूर्ति लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन इलाके में बढ़ते तनाव और नाजुक हालात को देखते हुए पिछले शुक्रवार को मूर्ति लगाने का काम अचानक रोक दिया गया था, लेकिन शनिवार से काम फिर शुरू कर दिया गया था। इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक 3 सदस्यों वाली टीम को पार्क का मुआयना करने को कहा है। कोर्ट को बताया जाएगा कि पार्क के किस हिस्से में मूर्ति लगाई गई है और मूर्ति की दूरी मस्जिद से कितनी है। शाही ईदगाह के पास रानी झांसी की मूर्ति लगाने के मामले पर हाईकोर्ट पर आज सुनवाई हुई। इस दौरान जो शाही ईदगाह कमेटी के वकील है उन्होंने कहा कि मूर्ति की स्थापना अब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ डीडीए के वकील ने कहा कि मूर्ति की स्थापना के वक्त इस बात का ध्यान रखा गया था कि मूर्ति के तीन तरफ एक बैरिकेड यानी कि दीवार लगाई गई है, यानी कि जिसकी वजह से किसी के भी सेंटीमेंट्स को ठेस ना पहुंचे। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि शाही ईदगाह की जो दीवार है उससे 200 मीटर की दूरी पर मूर्ति की स्थापना की गई है। वहीं आगे कोर्ट में जज ने कहा कि जो इस मामले से जुड़े हुए एजेंसियां हैं उनकी 3 सदस्य की एक टीम जाए और ये देखे कि आखिरकार मूर्ति की स्थापना कहां पर की गई है। इस मामले में कोर्ट में अब अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। मूर्ति लगाने का ये पूरा विवाद मस्जिद से 300 मीटर की दूरी पर झंडे वाला मंदिर के गोल चक्कर से शुरू होता है। ट्रैफिक की समस्या की वजह से इस गोल चक्कर को खत्म करने की तैयारी है और इसीलिए यहाँ पर पहले से लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को यहाँ से स्थानांतरित करना था। दिल्ली से अतुल रंजन और शुभांग सिंह, NDTV इंडिया।